उच्च पदस्थ सूत्रों के दावों पर अगर यकीन किया जाए तो इस बार के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने से 2 दिन पहले दिल्ली के संघ मुख्यालय में अमित शाह, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जस्टिस सदाशिव कोकजे और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें विहिप की ओर से भाजपा अध्यक्ष को कहा गया कि विहिप चाहती थी कि राम मंदिर के मुद्दे को इन चुनावों में सांकेतिक तौर पर उठाया जाए, पर आपने तो राम मंदिर को ही इन चुनावों का सबसे प्रमुख मुद्दा बना दिया। शायद यही कारण है कि हम तीनों हिंदी भाषी राज्यों में हार रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि हालिया विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आने पर संघ ने भाजपा हाई कमान से कहा है कि राम मंदिर के मुद्दे पर जनता हमें रिजेक्ट कर रही है और अब इस पर अध्यादेश की बात भी बेमानी है, सो अब बात हो सिर्फ कानून की, इसमें न्यायिक प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। एनटीआई पॉकेट टीवी के लिए त्रिदीप रमन की रिपोर्ट। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।